पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा 2019 के लिए मुरादाबाद के रामलीला मैदान से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मुरादाबाद उम्मीदवार के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए गठबंधन और गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। भाजपा को उत्तर प्रदेश में 74 सीटें जीतने का आह्वान किया। दरअसल आज अमित शाह मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश के समर्थन में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। अमित शाह ने मंच संभालते ही भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो बोले, जयकारा इतनी जोर से लगाओ कि मुरादाबाद की आवाज दिल्ली तक, मोदी तक जानी चाहिए। इस बार गठबंधन की पराजय यहीं से होनी है। अगले 5 वर्ष के लिए किस पार्टी की सरकार होगी, इस चुनाव में यही तय होगा। मैं यहां से गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि ना तो नेता है और ना ही नीति, नेतृत्व विहीन गठबंधन है। सपा के राज में पुलिस डरा करती थी, लेकिन आज गुंडे डरते हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बहनों के साथ कुछ भी हो जाता था। जो बड़े बड़े तीमारदार बनते थे वो भी आज गायब हैं। समाजवादी के गुंडे विधवाओं की जमीन को हड़पते थे, अब सब खत्म हो गया है। अब किसी की मजाल नहीं कि कोई यहाँ दंगे कर सके। गठबंधन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकता। पहली सरकार में आलिया मालिया जैसे घुस जाते थे, मंच और उरी हमले का जिक्र किया। जिक्र करते हुए बोले कि बाबा मोनी की सरकार नहीं थी, यहाँ तो मोदी जी की सरकार थी और उस पर राहुल बाबा ने पुलवामा पर सबूत मांगे हैं। मोदी जी ने सीमा पर जवान खड़े कर दिए थे, लेकिन हमला हवाई कर सबको चौंका दिया। मोदी जी ने 2 देशों की सूची में नाम ले लिया है। गठबंधन की बुआ और बबुआ सर्जिकल स्ट्राइक पर मातम मना रहे थे, तो वहीं मनीष तिवारी का नाम लेकर हमला बोलते हुए कहा कि सबूत मांगने वालों पाकिस्तान टीवी खोल कर देख लो। देश चुनाव में पाकिस्तान को जवाब देने के लिए ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो जवाब देता हो। इसके साथ ही अमित शाह ने गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार का कोई भी नेतृत्व नहीं है। आखिरकार प्रधानमंत्री कौन होगा या फिर उसका नेतृत्व कौन करेगा, उनके पास किसी का भी जवाब नहीं है। इसलिए भाजपा पार्टी को ही पुनः सत्ता में लाना होगा। अमित शाह ने मंच से बोलते हुए कहा कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सके, जो कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रहते हुए करके भी दिखाया। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मां बहनों की बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई भी इनके साथ कोई भी इनका अपमान कर लेता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 2 साल हो गए, 2 साल किसी की मजाल नहीं है। मां बेटी के सामने आंख उठाकर देख पाए इस प्रकार का शासन, जो बड़े 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 तिस्मार खा बनकर चलते थे, आज वो पुलिस स्टेशन में जाकर कहते दरोगा जी जरा अरेस्ट कर लो, हमारा एनकाउंटर न हो जाए। इसका जो पुलिस पर हमला करता है पुलिस उसको जवाब देती है। ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से गुंडई को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पलायन को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये भू माफिया समाजवादी पार्टी के गुंडे किसी भी विधवा की भूमि हो, सरकार की भूमि हो, हड़प लेने में कोई संकोच नहीं करते। होता था या नहीं होता था, जरा जोर से बोलो, होता था या नहीं होता था। हमने एंटी भू माफिया स्क्वाड बनाया, आज करोड़ों रुपए की जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आए दिन दंगे होते थे,
दंगे होते थे या नहीं होते थे, दंगे करता था कोई तो जेल में निर्दोषों को डाल दिया करता था, डाला जाता था या नहीं डाला जाता था। आज हमारी सरकार आई है, किसी की मजाल नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे करने की हिम्मत करे, किसी निर्दोष को परेशान करने की हिम्मत करे, किसी की सरकार हिम्मत नहीं। देखो नेतृत्वहीन गठबंधन उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकता, नेतृत्वहीन गठबंधन देश का विकास नहीं कर सकता, नेतृत्वहीं गठबंधन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकता। मित्रों 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, और 10 साल तक आलिया मालिया जमालिया जिसका भी मन पड़ जाए घुस जाते भाई, जरा जोर से बोलो, घुस जाते गए या नहीं घुस जाते। ये पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी देश की सीमाएं लांघकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते, और दिल्ली के अंदर ये नेताओं के माथे पर चू नहीं रहती, उप नहीं करते थे। आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, उनको लगा कि मौनी बाबा की ही सरकार है, कांग्रेस की ही सरकार है, उरी पर हमला किया, हमारे 12 जवानों को जिंदा जला दिया, सबको लगा क्या होगा, मगर इस बार मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 15वें ही दिन उरी की घटना के बाद हमारी भूसेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करकर आतंकवादियों का खात्मा किया। और मित्रों जब मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो राहुल बाबा कहते हैं जवानों के खून की दलाली करते। अरे शर्म करो राहुल बाबा, आपको जवानों की शहीदी का मोल मालूम नहीं। मित्रों भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक साल गया, दो साल गया, फिर से पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजकर पुलवामा में हमला कराया, 40 जवान शहीद हो गए, 40, पूरा देश सकते में था। हम सब मानते थे कि इस बार तो पाकिस्तान सावचेत होगा, सीमा पर सेना रख दी, चौक चौबंस बंदोबस्त कर दिया कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी न कर जाए, मगर मोदी जी भी आपके ही भेजे हुए हैं भैया, इन्होंने सीमा पर जवान खड़े कर दिए, सेना खरीदी, टैंके तोपे लगा दी, मोदी जी ने एयरफोर्स से हवा से जाकर एयर स्ट्राइक कर दी, और जहां पर पाकिस्तान आतंकवादियों को छुपाकर रखा था वो बालाकोट पर हमला करकर आतंकवादियों की फुलचले उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। मित्रों इसके पहले दुनिया में दो ही देश थे जो अपने सेना के जवानों का बदला लेते, सेना की शहीदी का बदला ले, अमेरिका और इजराइल। मोदी जी ने दो देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश
भारत का नाम जोड़ने का काम किया है। आज पूरी दुनिया सम्मान के साथ भारत की ओर देख रही है। ये देश का नेता ऐसा है जिसकी सीमाओं के साथ छेड़खानी की तो तुरंत ही कार्यवाही होती है। ये पूरी दुनिया और एक गठबंधन के नेता, पूरा पाकिस्तान सदमे में, पूरी पाकिस्तान की संसद सदमे में, पूरा पाकिस्तान का मीडिया सदमे में और अपने एक बुआ भतीजा और राहुल बाबा भी सदमे में। दो दिन तक उनके चेहरे देखना टेलीविजन पर, दो दिन जैसे चचेरे भाई मर गए हो ऐसा चेहरा करते हुए पूरे देश के अंदर उत्साह था, पूरे देश के अंदर हौसला जगा, पूरे देश में चेतना जगी, पूरे देश में स्वाभिमान जगा और एक विपक्ष के लोग मातम मना रहे थे, छातियां पीट पीट कर हाय तोबा कर रहे। क्यों भाई, आपको क्या तकलीफ हुई? अभी अभी ये राहुल बाबा के गुरु है, कौन है मालूम है ना? साम पित्रोड़ा। अभी कहते हैं इन पर एयर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए। अरे साम पित्रोड़ा जी, आप राहुल बाबा को एडवाइस दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति स्पष्ट है, दुश्मन अगर गोली चलाएगा तो हम गोले से जवाब देंगे, गोले से। आज भी मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता कहते हैं, आज भी मनीष तिवारी कहते हैं कि इस देश का वायुसेना का जो चीफ है वो ठीक आदमी नहीं। मनीष बाबू, हम तो वो पार्टी है जो देश की वीर जवानों पर गौरव करते हैं, उनको अपने कंधे पर बिठा कर आपकी पार्टी को सोफा देता हूं। अखिलेश जी, मायावती, राहुल बाबा सब पूछते हैं प्रूफ कहाँ है, प्रूफ कहाँ है। मैं उनको एडवाइस देना चाहता हूं, कोई सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान टीवी खोलकर देख लो, उनका आक्रंद देखकर मालूम पड़ जाएगा कि वहां क्या हुआ। सेना के जवानों पर आप भरोसा नहीं करते हो, देश की सेना पर भरोसा नहीं करते हो, किस पर भरोसा करोगे? राजनीति करने की अनेक जगह है, आजाद मैदान में दो दो हाथ करने के लिए कोई नहीं डरता, कोई नहीं डरता। मगर देश के शहीदों का अपमान करना बंद करिए, वरना इस देश की जनता आपको इतना दंड देगी कि हिसाब भी नहीं। मित्रों, आप मुझे बताओ, देश चुनाव में जा रहा है, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब मोदी जी के अलावे कोई दे सकता है क्या? जोर से बोलो, कोई दे सकता है क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मोदी जी के अलावे कोई दे सकता है क्या? देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसके शपथ लेते ही दुश्मनों के दिल में डर की लखलखी बैठ जाए, ऐसा प्रधानमंत्री भारत। 30 साल तक आप बिरयानी खिलाते रहे और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने के समय अब समाप्त हो गए हैं। यहां नरेंद्र मोदी का शासन कश्मीर के अंदर अलगाववादियों की सुरक्षा वापिस ले ली। सपा बसपा, सपा सपा बसपा, ये खेल देखा है या नहीं देखा है? जरा जोर से बोलो, देखा है या नहीं देखा है? सपा बसपा के राज में गुंडों से पुलिस लड़ा करती थी, आज पुलिस से गुंडे डरकर गले में पट्टी लगाकर घुमा करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी और योगी जी की सरकार ने
कानून का राज लाने का काम